स्वागत है वॉइस ऑफ फैमिली में आपका। इस वक्त मैं हूं आपके साथ महक और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फैमिली न्यूज चैनल। प्रदेश में लगातार तबादले हो रहे फर्जी सिफारिशों पर अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। दरअसल मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से तबादलों पर बैन को हटाया गया है और जिसकी अवधि को जो है बढ़ाकर 7 अगस्त कर दिया गया है। बावजूद इसके अब फर्जी नोटशीट के जरिए सिफारिश करने के मामले में सरकार एक्शन में आ गई है। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी मंत्रियों को ये निर्देश दिए हैं कि तबादलों के लिए विधायक सांसदों की अनुशंसा की कई गई प्रक्रिया को जांच करने के बाद ही स्वीकृति दे। सिर्फ शिवराज सिंह चौहान ने इसमें कहा है कि बिना जांच के कोई तबादला सिफारिश के आधार पर न की जाए। और इतना ही नहीं, सीएम ने ये भी कहा कि मंत्रियों को सिफारिश का सत्यापन करना होगा, जिन विधायकों ने अनुशंसा की है उनसे पूछने के बाद ही तबादला आदेश जारी कर दिए जाएंगे। जिस तरह से आपने इस अपडेट में जाना, तमाम जानकारी और ऐसी हर अपडेट के लिए लगातार बन रही है वॉइस ऑफ फैमिली के साथ। जय हिंद, जय भारत।